दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। राजधानी पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में आई बाढ़ की त्रासदी से हुई क्षतिपूर्ति एवं सकल विश्व कल्याणार्थ हेतु बिहार शरीफ प्रखंड क्षेत्र के तिउरी गांव में 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन वृंदावन के आचार्य द्वारा किया जाएगा। कथावाचन से एक दिन पूर्व तिउरी गांव की 511 महिलाओं के द्वारा माथे पर कलश लेकर गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि नदी से जल भरकर पूरे गांव का परिभ्रमण करते हुए कथा स्थल तक पहुंची और अपने तथा अपने सकल परिवार के लिए सुख समृद्धि और शांति की कामना भी की। तिउरी गांव में 18/10/2019 को श्री मत भागवत कथा का आयोजन किया गया है। 24/10/2019 तक चलेगा, जिसका हम लोग कलश शोभा यात्रा निकाले हैं। गांव की सारी महिलाएं सब शोभा यात्रा के लिए निकली है। आयोजन है बिहार में बाढ़ निमित्त दुख निवारण हेतु श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें 511 कलश उठाया जा रहा है और कथा सुन करके शांति प्रदान हो, दुख के निवारण हो, इसलिए इस कथा का आयोजन किया गया है। कौन सी कथा का आयोजन किया गया? श्रीमद् भागवत कथा। कब से आयोजन है? 18 से है। कब तक चलेगा? 24 तारीख तक। यह जो हम लोग भागवत कथा कर रहे हैं और पूरे ग्राम की ओर से हम लोग यह हमेशा करते आते हैं। विगत वर्षों भी मैंने भागवत कथा करवाया था गांव समाज के सहयोग से, और पुनः आज भी आज जो कलश स्थापन है परिक्रमा है, और कल दिनांक 18/10/2019 से लेकर 24/10/2019 तक यह भागवत कथा का कार्यक्रम चलेगा। इसमें हम सभी माताएं बहनों से निवेदन करते हैं कि इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, और जो हम लोग का जो बुनियादी ढांचा है, जो हम लोग माने उसको हम लोग कामयाब रखें। हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, धर्म का विनाश नहीं हो, इसलिए धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कम से कम एकजुट होकर यह कार्य को करेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।